हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि स्ट्रेस एक छोटा सा शब्द किस तरह से आपके परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है, किस तरह से आपके हेल्थ को चौपट कर रहा है, किस तरह से आपके रिश्तों को डिग्रेड कर रहा है और आपके करियर को पूरी तरह से चौपट कर रहा है। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि कुछ छोटी सी साइंटिफिक टेक्निक को आजमाकर, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप स्ट्रेस को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को और अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 times बढ़ाना चाहते हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस के लेवल को आधा कर दें। स्ट्रेस कितनी बड़ी महामारी है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी ये कहती है कि अगर आप स्ट्रेस के लेवल में हैं, तो ये 2 गुना चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि आप हार्ट अटैक से आपकी मृत्यु होगी या हार्ट की बीमारियां आपको होंगी। वहीं जर्नल ऑफ न्यूरोसाइकोपैथोलॉजी ये कहती है कि स्ट्रेस के लेवल में आपके चांसेस कई गुना ज़्यादा हैं कि आप किसी एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे, चाहे वो शराब की हो, सिगरेट की हो, या IV ड्रग्स या मॉर्फिन की हो। इसके अलावा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसने अपने रिसर्च में ये देखा, स्ट्रेस के कारण कंपनियों में कर्मचारियों की जो वर्क परफॉर्मेंस है उसमें जो रिडक्शन हुआ और स्ट्रेस को मैनेज करने के कारण जो खर्च लगे, उसका बजट साल का $300 बिलियन का है। वहीं APA ने अपनी स्टडी में ये देखा कि 78% लोग स्ट्रेस के कारण फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, हार्ट का ज़्यादा तेज चलना, सीने में दर्द, सिर में दर्द, नींद ना आना, परेशान हो जाना, मांसपेशियों में दर्द। वहीं 73% लोगों ने यह देखा कि उन्हें स्ट्रेस के कारण मेंटल सिम्टम्स जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ऐसा होता है। वहीं 48% लोगों ने यह कबूल किया कि उनके स्ट्रेस की प्रॉब्लम 5 साल या उससे भी लंबे समय से है और वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 48% लोगों ने यह भी कबूल किया कि स्ट्रेस के कारण हम कई रातें ऐसी हैं जिसमें कि हम सो ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ ये कि अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीखा, तो स्ट्रेस आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा और आप हमेशा हमेशा के लिए एक वीक परफॉर्मर बन के रह जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस के लेवल में आपके पास 3 ही चॉइस होती हैं, फाइट, फ्रीज और फ्लाइट। दोस्तों, लोगों ने ये माना है कि वो स्ट्रेस के लेवल में या तो शराब पीते हैं, या सिगरेट पीते हैं, या कॉफ़ी का ओवरडोज लेते हैं, या चॉकलेट्स खाते हैं। दोस्तों, ये है केमिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। इसके कारण उनके ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज होती है और उनको टेम्पोरली एक रिलीफ मिलता है। हम स्ट्रेस को फिजिकल, मेंटल और केमिकल लेवल पे चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे डेंजरस है केमिकल लेवल, क्योंकि इसकी हैबिट लगने के कारण हमें ज़्यादा डोज लेना पड़ता है। तो आइए हम सीखें फिजिकल और मेंटल टेक्निक्स। नंबर 1, एक्सरसाइज। दोस्तों, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, और उतना एक्सरसाइज जिससे कि आपके शरीर में पसीना निकलना शुरू हो जाए, तो आप स्ट्रेस केमिकल कॉर्टिसोल के लेवल को बहुत कम कर देते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि आप रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं और स्ट्रेस हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके अलावा एक्सरसाइज से हम अपने ब्रेन में इंस्पिरेशनल केमिकल डोपामीन को भी रिलीज करते हैं और हमारा ब्रेन BDNF रिलीज करता है, जो कि स्ट्रेस के कारण हमारे ब्रेन के वो सेंटर्स जो कि हमें इंस्पायर करते हैं, हमें जॉय देते हैं, हमें हैप्पीनेस देते हैं, हमें फील गुड कराते हैं, जो स्ट्रेस के कारण डैमेज हो चुके हैं, उन एरियाज को भी BDNF रिपेयर कर देता है। दोस्तों, अगली टेक्निक है टेकिंग अ ब्रेक। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे हमारा प्रोडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। एक बार एक स्टडी की गई, उसमें 2 ग्रुप थे, A और B। ए ग्रुप वालों ने सिर्फ 20 घंटे काम किया और बी ग्रुप वालों ने हफ्ते में 90 घंटे काम किया। जब दोनों की प्रोडक्टिविटी को देखी गई, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी इक्वल थी। इसका कारण ये था कि ए ग्रुप वालों ने एक इंथुजियाज़म के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी से और एक अच्छे माइंडसेट से काम किया, वहीं बी ग्रुप ने बोरिंग होकर, थक के, परेशान होकर काम किया, और इनके काम की क्वालिटी भी खराब थी और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही कम थी। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप हफ्ते में एक ब्रेक ज़रूर लें, और जब भी आप काम कर रहे हैं उस काम के बीच में भी आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। उस ब्रेक्स में आप घूमने जा सकते हैं, थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ब्रेक
जरूर लें। नेक्स्ट इज मेंटल टेक्निक। दोस्तों डीप ब्रीदिंग, इस पे हर्बर्ट बेंसन, हर्वर्ड के टीचर, इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने ये बताया कि जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमारे ब्रेन को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है और इस ऑक्सीजन के मिलने के कारण हमारे ब्रेन में जो भी नेगेटिव केमिकल्स हैं, जो फटी के केमिकल्स हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं और हमारा ब्रेन एक ऑप्टिमम लेवल पे काम करने लगता है। उसके न्यूरॉन्स अपनी थकावट को भूलकर एक बार फिर से रिचार्ज हो जाते हैं और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हम मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस करें, अपने लाइफ में आत्मसात करें। दोस्तों मेडिटेशन का मतलब ये है कि अपने थॉट्स को देखना, उनको जानना। कई सारे थॉट्स हमारे माइंड में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमने कभी उनको ध्यान नहीं दिया, उनको हमने जाना ही नहीं कि हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में देखना शुरू करते हैं तो ये नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप नेगेटिव प्रोग्रामिंग ऑफ योर ब्रेन। दोस्तों आपका ब्रेन आपको वही देगा जो कि आप इसके अंदर में डालेंगे, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप न्यूज़ को देखना बंद करें, वो रिएक्टिव प्रोग्राम्स या वो रिएक्टिव सीरियल्स को देखना बंद करें जहाँ पे कि रेप की घटनाएं दिखाई जाती हैं, जहाँ पे कि हैट्रिट फैलाया जाता है। इसके अलावा आप उन लोगों से भी मिलना बंद करें जो कि इतने एक्सपर्ट हैं कि हर अच्छी चीज़ में से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल लेते हैं, या फिर जो आपको नेगेटिवली प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि आपका लेग पुल करते हैं और जो कि आपको कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन छोटे स्टेप्स से ही आपका ब्रेन जो कि एक फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में था, वो रिजुविनेट, रिलैक्स एंड रिप्रोड्यूस मोड में आ जाएगा। आप ना सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे बल्कि आप अपने हेल्थ को भी अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और इसके साथ साथ आप लिखकर ये भी बताइए कि आप स्ट्रेस के लिए कौन सा एक्शन लेना शुरू करने वाले हैं। थैंक यू।